कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड के सुजानपुर गांव से किसान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर यादव के नेतृत्व में किसान जोड़ो बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां पर संगठन के जिलाध्यक्ष विपिन तिवारी ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए सैकड़ों किसानों को संबोधित किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर किसान जोड़ो यात्रा बाइक रैली का शुभारंभ किया, जहां किसान संगठन की बाइक जोड़ो रैली रसूलाबाद के विद्युत उपकेंद्र पहुंची, जहां पर विद्युत उपकेंद्र में संगठन के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष ने जेई के किसानों से फर्जी तरीके से पैसे लेकर उन्हें किसानों पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर दिया। इस बात से नाराज सैकड़ों किसानों ने विद्युत अभियंता को ज्ञापन देते हुए किसानों को न्याय दिए जाने की मांग की। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसानों के साथ न्याय नहीं होता है तो किसान मजबूर होकर विद्युत उपकेंद्र पर अनशन पर बैठेगा। इसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। उद्देश्य तो हमारा 18 सितंबर लखनऊ की तैयारी को लेकर के है, जिसमें 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा किसान लखनऊ पहुँचे। इसके लिए किसान जोड़ो यात्रा निकाली गई है, गांव-गांव जा करके किसानों को बताया जा रहा है, जिससे कि सरकार की जो नीतियां हैं गलत नीतियों से आज किसान कर्जदार है। किसान को जो है तो समय से पानी नहीं मिल रहा, समय से सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही, अन्ना प्रसाद चरम पर है, किसानों के खेत जो है तो नष्ट हो रहे हैं, उस पर कोई व्यवस्था नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के लखनऊ में पंचायत होने जा रही है, उसी के संबंध में किसान जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ की जो पंचायत होगी, क्या कानपुर देहात के किसान भी सुबह में प्रतिभाग करेंगे? कानपुर देहात के किसानों की प्रतिभागिता जो है, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर जिले से ज़्यादा संख्या यहाँ से निकले, इसलिए यहाँ पर जो है तो गांव-गांव जा करके जो है किसानों से संपर्क किया जा रहा है। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिला है कि जो यहाँ की स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, उनको हम पूरी निष्ठा के साथ किसानों के साथ मिलकर के उनको हल करने का प्रयास करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि गौशालाएँ को लेकर आपके द्वारा लगातार मुद्दा उठाया जाता है, और जबकि किसान संगठन की जितनी भी समस्याएं मतलब किसानों को होती है, किसान संगठन हमेशा तत्पर रहता है। इन गौशालाओं के बनने के बाद इन आवारा गौवंशों को गौशालाओं क्यों नहीं पहुंचाते जिम्मेदार हैं? गौशालाओं में पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए, उसमें जो बीच की कड़ी है, प्रशासनिक कड़ी, ये कहीं ना कहीं जो है तो गुमराह कर रही है सरकार को। अब हमारा एक ही उद्देश्य होगा, सरकारी गौशाला जितनी भी गौशालाएँ बनी हुई हैं जिले के अंदर, उनके संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का जो है तो काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार कहती है, जिले के DM के द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि ब्लॉक BDO और ग्राम पंचायत अधिकारी गौशालाओं पे संरक्षित करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।